गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो वेलकम बैक टू माय चैनल ममता ब्लॉग। और अपना ध्यान रखिए सब लोग, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है वो बुरी तरह से फैल रहा है और इसके ख़त्म होने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। और जैसे कि मैं देख रही हूँ कि मतलब न्यूज़ चैनल में, फ़ौरन में कहीं भी नहीं बता रहे कि ये कोरोना वायरस है, फैल रहा है या नहीं, लेकिन जो हमारे इंडिया में जो है वो बहुत बुरी तरह से ये कोरोना वायरस जो है वो फैल रहा है। कई शहरों में है जो वो लॉकडाउन भी लग चुका है। तो प्लीज़ आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, खुद का भी ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। अगर ज़रूरी काम हो तब भी बाहर जाइए, वरना ऐसे बाहर मत जाइए। प्लीज़ कहीं भी जो है वो घूमने कम जाइए, क्योंकि ये वायरस ने इतना मुश्किल कर दिया है। ये मेरे हिमाचल प्रदेश में भी बहुत बुरी तरह से बढ़ चुका है, काफ़ी जो है मौतें वहाँ पे हो चुकी हैं। जो मतलब जिनकी मरने की उम्र नहीं है वो लोग भी इस दुनिया से जा चुके हैं, वो अपने छोटे छोटे से बच्चों को छोड़ के मजबूरन, मतलब कि फैमिली वाले जो हैं बहुत परेशान हैं। हर लोग, हर तरफ जो है वो परेशानी बनी हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज जो है वो नवरात्रि जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, तो जय माता की। और मेरे घर में प्रसाद जो है वो माता रानी का आ चुका है, ये देख सकते हैं आप, ये देखो। क्योंकि हमारे जो है यहाँ पे जागरण था और मेरे बच्चे और मम्मी जी जो है वो गए हुए थे, तो ये प्रसाद, ज्योत प्रसाद जो है वो मेरे घर में आ चुका है। और माता रानी से मैं हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि ये वो जो वायरस है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए और मेरा देश, मेरा भारत, मेरी जो है वो कंट्री इस वायरस से मुक्त हो जाए और सब खुशी से रहे। जय माता। देखिए हमारे घर पहुंची माता रानी के घर। बोलिए सचेत मार की जय। ओ आवा मैं दर तेरे दातिए, ओ संत
Okay.